हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये जो MI का टीवी है उसको अपडेट करने के बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कास्टिंग करने में, वो कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उसका आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उसको कास्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल को अपने टीवी में कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक आपको ट्रिक करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले एक तरीका बताऊंगा जो जिसमें आप गूगल होम के थ्रू आप अपने मोबाइल को अपने टीवी से कनेक्ट कर पाएंगे गूगल होम में। फ्रेंड्स, आपने वैसे पहले भी ट्राई किया होगा गूगल होम से, लेकिन नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बार मैं बताऊंगा इस तरीके से, आप इस ट्रिक से आप एक बार ट्राई करना, डेफिनेटली आपका जो टीवी है अपने मोबाइल से कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जो गूगल होम एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद उसको ओपन कीजिए अपने मोबाइल में गूगल होम को। फ्रेंड्स, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, ठीक है। आपने ट्राई किया होगा पहले भी, लेकिन अभी आप मैं जो जिस मेथड से बता रहा हूँ उससे आप ट्राई करना, आपका पक्का कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए टीवी लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आए होंगे तो यहाँ तक तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा कि आपका वॉल्यूम जो एडजस्टमेंट है वो आपका हो रहा है टीवी के साथ, लेकिन इसके बाद कास्ट नहीं हो रहा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी होगा, देखना आप। पहले मैं दिखाऊंगा आपको कैसे प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद कैसे उसको सोल्यूशन उसका कैसे करना है। ठीक है, मैं सारी इसमें पूरे जो स्टेप्स हैं वो कवर करूँगा इस वीडियो में। देखिए, अभी यहाँ पे आके मैक्सिमम लोगों का अटक जा रहा है, देखो ये कास्ट नहीं हुआ है। अभी आपको करना क्या है, अभी जो मेन पॉइंट वो अब है, आपको क्या सेटिंग करनी है कि जिससे आपका कास्टिंग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो मोबाइल है और आपका जो टीवी है वो सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो करना है वो अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। आप अपने टीवी की सेटिंग्स में चले जाइए, ऊपर राइट कॉर्नर में जो सेटिंग्स है इसको ओपन कीजिए। यहाँ से आप चले जाइए ऐप्स में, इसके बाद आप चले जाइए व्यू फोन मीडिया। फ्रेंड्स, आपने ये भी मेरे को पता है कि ये भी मेथड हो सकता है आपने ट्राई किया हो, लेकिन एक जो ट्रिक मैं अभी बता रहा हूँ वो आप फॉलो करना, ठीक है। और हाँ, यदि आपका चल जाए ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, यदि नहीं चले आपका, यदि कनेक्ट नहीं हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियर डाटा आपको 10 बार करना है, ठीक है। क्लियर डाटा 10 टाइम्स आपको करना है, ठीक है, देन ओनली आपका कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर दीजिए। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, अभी बैक चले जाइए सेटिंग्स से। अभी फिर से हम मोबाइल स्क्रीन पर चले जाते हैं। ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन में अगेन हम ओपन करेंगे होम, गूगल होम। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे कास्ट माई स्क्रीन का ऑप्शन आ रखा है नीचे, उस पर हम क्लिक कर लेंगे कास्ट स्क्रीन। ओके, अभी यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर दो, आपका मोबाइल सक्सेसफुली आपके टीवी से कनेक्ट हो गया है। और आप चाहे इसमें कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो जो भी आप जो चलाना चाहते हैं आप, वो आपका यहाँ पे अच्छे से चल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी शो है, कोई भी वेब सीरीज़ है, आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, आपके सामने लाइव प्रूफ है एकदम, इसमें कोई वो ही नहीं है। हाँ, यदि आपका भी यदि कनेक्ट हो गया हो तो लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद फ्रेंड्स।